हेलो एवरीवन, आई एम लकी महंत एंड यू आर वाचिंग लकी महंत यूट्यूब चैनल। आई एम पीएचडी एंड यूपीएससी एस्पिरेंट, विच मीन्स नेट जेआरएफ एंड सिविल सर्विस एग्जाम एस्पिरेंट, राइट। सो एज आर टुडेज टॉपिक, सो दिस इज अ लिटिल अबाउट माई सेल्फ। नाउ आई एम कमिंग इन हिंदी जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं इसलिए इंग्लिश में दे रहा था क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो इंडिया के अलावा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना, कनाडा, क्वेबेक, इधर उधर विदेश में भी देखा जाता है। तो सो दैट्स व्हाई आई वाज गिविंग लाइक छोटा सा इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश, लेकिन ह्यूज अमाउंट में इंडिया में देखा जाता है, तो इसलिए मेरे जो बातें हैं वो हिंदी में रहेगा, है ना। तो ऐसा है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आफ्टर मोनेटाइजेशन। आफ्टर मोनेटाइजेशन दी फाइव प्रोसीजर, मोनेटाइजेशन के बाद पांच प्रोसीजर का मतलब ये है कि अगर आपका जो चैनल है वो 1000 सब्सक्राइबर कर लिया है, 4000 वाच आवर हो गया है और ऐसा कंडीशन में आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। उसके बाद आपको क्या पांच प्रोसीजर करना पड़ता है, सबसे पहले अपने सभी वीडियो का जो एड है, एडवर्टाइजमेंट है, वो ऑन करना पड़ता है, क्योंकि जो यूट्यूब है वो एडवर्टाइजमेंट का ही पैसा देता है, आपके कितने व्यूज आ रहे हैं और CTR होता है, क्लिक थ्रू रेशियो, तो वो सारी चीज़ों को काउंट करके बताता है। तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो जो पहला स्टेप रहेगा वो करना पड़ेगा आपको कि अपने वीडियो का एड ऑन कर देना है। सेकंड, एडसेंस से रिलेटेड होता है, एडसेंस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाता है, यहाँ पे आधार कार्ड नहीं चलता है, उसके अलावा आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं पैन कार्ड से, वोटर आईडी से, पासपोर्ट से और ड्राइविंग लाइसेंस से, ठीक है, इन चार चीज़ों से आप वेरिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड स्टेप आता है वो हो जाता है गूगल एडसेंस से आपको एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाता है। क्या होता है कि जब आप उस टाइप की वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद 21 से 25 दिन में बाई पोस्ट आपके पास गूगल का पिन आता है ना, उसको वेरिफिकेशन किया जाता है, आपको वो करना पड़ता है आफ्टर मोनेटाइजेशन। फोर्थ स्टेप में आता है कि आपको मैनेज टैक्स फॉर्म करके एक फॉर्म आता है, उसको फिल करना पड़ता है। ये क्या होता है कि जो इंडिया में YouTube से जो आप अर्न करते हैं उसको आप उसका टैक्स देना पड़ता है। अगर इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो आपसे सीधा 40-50% चार्जेस कर लेता है, पर अगर इसको भर देते हैं तो वो सिर्फ 18% लेता है GST, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, और गूगल एडसेंस क्या है, तभी पिन जाता है जब आपका $10 अकाउंट पे हो जाता है, ठीक है। चौथा हो गया आपका वही मैनेज टैक्स फॉर्म फिल करना हो जाता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो उसके बाद एडसेंस, एडसेंस में क्या है, 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में, यानी नेक्स्ट मंथ, बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया जाता है आपको जो पेमेंट है वो एडसेंस में। आप देखो जो पेमेंट है ना यूट्यूब वो एडसेंस अकाउंट पे देता है, इसलिए इसके पहले एडसेंस, हाउ टू क्रिएट एडसेंस अकाउंट, तो मेरे वीडियोस डलाया हुआ है कि आप एडसेंस कैसे क्रिएट करें, उसको जाके देख लो, आई बटन में मिल जाएगा, चाहे आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। तो पहले एडसेंस क्रिएट करते हैं आप, एडसेंस क्रिएट करने के बाद उसमें जब आप गूगल वेरिफिकेशन पिन डालते हैं उसके बाद पेमेंट आता है। तो ये पांच स्टेप पे होता है। इसके स्टेप को वैसे तो जब मैं किसी वीडियो में आपको वेरिफिकेशन करते हुए बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी मैं स्टेप बता देता हूँ। जो मैंने पहले बोला कि सारे वीडियोस का एड ऑन करना है, तो जनरली आप जब studio.youtube.com पे जाएंगे तो आपका खुल जाएगा, तो वहाँ पे आपको कॉन्टेंट पे जाना है, फिर पर्टिकुलर सब वीडियोज़ का, आज तक आपने जितने वीडियोज़ अपलोड किया हुआ है उसका ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। ऐड ऑन करने के बाद जो सेकंड स्टेप आता है, एडसेंस से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया जाता है, तो इसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा एडसेंस करके, ठीक है। लोगो आपको स्क्रीनशॉट के रूप में दिख रहा होगा साइट पे, इधर या इधर। तो उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, पेमेंट्स या योर पेमेंट करके ऑप्शन आता है ऑन होल्ड करके, तो बिकॉज यू वहाँ पे जो पेमेंट रहता है वो होल्ड करके रहता है, तो इसलिए आपको वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करके ऑप्शन आएगा, उसमें टेक एक्शन करके करेंगे तो नीचे जाएंगे, वहाँ पे एड्रेस वेरिफिकेशन, वहाँ पे वही एड्रेस डालेंगे जो आधार, जो पेन कार्ड, वोटर आईडी,
पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस पे इन चारों में से कोई एक में जो भी एड्रेस लिखा रहेगा एग्जैक्ट वही लिखेंगे आप, ठीक है। टेक एक्शन करके आगे चलेंगे, तो उसके बाद वेरीफाई योर आइडेंटिटी हो जाएगा, उसके बाद बिगिन वेरिफिकेशन करके ऑप्शन आएगा, वहाँ पे लीगल नेम है ना, लीगल नेम इन द सेंस लीगल नेम के जगह पे आपका नाम डालना है कि आपका उस डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम है। ये सारा चीज़ें मैं करके बताऊंगा किसी वीडियो में, एक स्टेप बता रहा हूँ आपको। मैं ये सारा चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके कितने भी मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, लेकिन ये वाला जो प्रोसेसर बता रहा हूँ थोड़ा भी मिस्टेक हुआ नहीं बनेगा, आपके आपके वीडियो में एड ही नहीं आएंगे, और आपके वीडियो में अगर एड्स नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली पैसे नहीं बनेंगे, राइट। एंड इफ यू आर डूइंग यूट्यूब तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग फॉर मनी, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस ऑल ऑफ थिंग। ठीक है, चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद आधार कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड, वहाँ बकायदा लिख दिया जाएगा कि आधार कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेड। उसके बाद नीचे जाएंगे, एड्रेस नेक्स्ट करेंगे, फिर एड्रेस वेरिफिकेशन किया जाएगा, पहले आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद नीचे जाएंगे तो एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। एड्रेस वेरिफिकेशन में के बाद वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस ऐसा करके लिख देगा, उसको टिक करेंगे, कुछ टाइम के बाद वो प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद ये सारा चीज़ें होने के बाद 21 से 25 दिन वाला स्टोरी आता है, जिसमें आपकी एडसेंस में समझ लीजिए आप $10 आ गया है, यानी 85x10 इतना रुपए इंडियन रुपीस में आपके अकाउंट में आ गया है। उसके बाद आपको उस टाइम जो 6 डिजिट का पिन रहेगा, जो कि उसका प्रोसेसर जनरली ऐसा होता है जो 6 डिजिट का जो वेरिफिकेशन करते हैं, उसको कैसे कैसे भरना है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे कुछ मिस्टेक होता है तो फिर जान रहे हैं आप क्या होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला है, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, दे हैव अ लॉट ऑफ व्यूज, यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑल्सो, मेनी मोर देयर वीडियोज आर अपलोडिंग, स्टिल उनका पेमेंट नहीं बन रहा है। सो उसका यही कारण है, सो दैट्स व्हाई डीपली समझिए इस चीज़ को, ताकि आप अच्छे से कर पाएं, ठीक है। उसको अलग से मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं मैनेज टैक्स फॉर्म फिल करना होता है और बाकी चीज़ें, हाँ उसको कैसे फिल करते हैं मैं बता देता हूँ। गूगल एडसेंस ऐप में ओपन करते हैं, होम टैब में रहेंगे, वहाँ पे मैनेज टैक्स इन्फो करके आता है, ठीक है, उसमें एड टैक्स इन्फो करके रहेगा, उस पर टच करेंगे। उसके बाद पासवर्ड ऑफ एडसेंस, जो पासवर्ड आप बनाए रहेंगे उस टाइम एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करते टाइम, जैसे यूट्यूब चैनल बनता है वैसे ही एडसेंस का अकाउंट बनता है। कैसे बने इस चीज़ को जानने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, यूट्यूब ट्यूटोरियल करके है, वहाँ पे ये वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं बाय लकी, हाउ टू क्रिएट एडसेंस अकाउंट बाय लकी, राइट, या आप कहीं से भी देख सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आएगा इंडिविजुअल या बिजनेस अकाउंट, तो अगर आपका पर्सनल पर्सनल अगर वीडियोज़ है, पर्सनल अकाउंट है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल कर देंगे। उसके बाद आर यू सिटीजन और रेसिडेंशियल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स करके ऑप्शन आएगा, उसको नो करना है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन आता है ऐसा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म करके करना है, नेक्स्ट करने के बाद। उसके बाद जो पहले ऐसे टोटल तीन आएंगे, वहाँ पे WADEN करके है, वहाँ पे इंडिविजुअल के लिए इस चीज़ को करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जाता है कंट्री, तो वहाँ पे इंडिया कंट्री में सेलेक्ट कर लेना है इंडिया। उसके बाद फॉरेन TN करके रहेगा, वहाँ पे पैन कार्ड ऐसा लिख देना है, राइट, पैन कार्ड का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट करेंगे। वहाँ पे आपको मंगा जाएगा परमानेंट एड्रेस, ठीक है, परमानेंट एड्रेस, तो वहाँ पे ये परमानेंट एड्रेस को वही लिखेंगे जो इसके पहले भरे हुए हैं। परमानेंट एड्रेस इन द सेंस आधार कार्ड वाला डालना है यहाँ पे, और यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस, तो अगर सेम है तो सेम करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपका जो स्टेज आता है, उसके बाद जो है आपका आ जाएगा ये वाला, वही एडसेंस एक, आपकी जो एडसेंस है उसमें 1 से 30 सितंबर के आसपास नेक्स्ट मंथ में है ना बैंक अकाउंट ऐड कर दिया जाए, ऐड हो जाता है, और अब सबसे पहला जो पेमेंट है अपने बैंक अकाउंट में $100 होने के बाद विदड्रॉ कर पाते हैं, इन द सेंस जब आपके अकाउंट में 8,000 रुपीस इंडियन रुपी में पेमेंट आ जाता है, उसके बाद आप विदड्रॉ कर सकते हैं उस चीज़ को। और जो एडसेंस है वो पैसा जनरली 11 तारीख को देता है, और बैंक 25 से 30 तारीख या फिर 1 या 2 तारीख के आसपास बैंक से आप विदड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज कंप्लीट प्रोसीजर की लाइक आफ्टर मोनेटाइजेशन, दी 5 स्टेप जिसको मैंने डीपली बताया। एक और वीडियोज आपको मिलेंगे
एक और पहला वीडियोस है जिसमें आप कैसे अपना नंबर वेरिफिकेशन करते हैं मोनेटाइजेशन से पहले वाला प्रोसीजर है ना, तो उस चीज़ का भी वीडियोस डलाया हुआ है, उस चीज़ को भी देख लीजिए। ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को तो करना ही है मोनेटाइजेशन के बाद, लेकिन वो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो हुआ रहेगा आपका वेरिफिकेशन चैनल में जाते हैं, उसके बाद एडवांस करके एक फीचर्स आता है सेटिंग में studio.youtube.com, एक पूरा ट्यूटोरियल एक पूरा वीडियो डाला है उसके लिए, आप उसको जरूर जाके देखें तभी ये चीज़ें समझ आएगा, ठीक है। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, एक आने वाला वीडियो में है कि गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई कैसे करते हैं, एक उस चीज़ के लिए अलग से वीडियो सेपरेट बना हुआ है, उस वीडियो को भी जाके जरूर देखें कि ताकि वो मिस्टेक ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है एक्चुअली। सो आज के लिए इतना ही, और इसी तरीके के बहुत सारे मेरे वीडियो चैनल में अनबॉक्सिंग वीडियोस डलाए हुए हैं, यूट्यूब ट्यूटोरियल वीडियोस डलाए हुए हैं इस टाइप के, और इंस्टाग्राम ट्यूटोरियल डलाया हुआ है, फेसबुक ट्यूटोरियल डलाया हुआ है, और बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें अलग अलग एडिटिंग ऐप पे कैसे काम किया जाना चाहिए और बाकी चीज़ें बेसिक टू एडवांस, तो आप जाइए और जाके सबको देखिए और प्यार बनाए रखिए प्लेलिस्ट पे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बनिए, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल से रिले इसी टाइप के और भी चैनल्स हैं मेरे, जैसे क्रैक UPSC CSE विथ लकी करके है, उसको भी सब्सक्राइब करिए, लकी महान ब्लॉग करके चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वाला लकी महान सपोर्ट करके है ना, सपोर्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशली जो यूट्यूबर्स हैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाला है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों का प्यार बना रहे, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। बारह मिनट का बन गया क्या?